उस समय आदरणीय अडवाणी जी और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने आधे भारत का अडवाणी जी ने नेतृत्व किया था और आधे भारत का उस समय भारत सुरक्षा यात्रा का नेतृत्व मैंने किया। और मैंने उस समय यह फैसला किया कि यदि मैं भारत सुरक्षा यात्रा का प्रारंभ करूंगा तो मैं किसी अन्य प्रदेश से नहीं करूंगा बल्कि बाबा जगन्नाथ की धरती में उड़ीसा से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करूंगा। और जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए एक युद्ध होकर उस समय की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए हमारी यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। उस समय असुरक्षा का कैसा माहौल था मैं समझता हूं कि उस समय के लोग अच्छी तरह समझते होंगे। आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे, नक्सलवाद की घटनाएं होती थी, कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर हो चुके थे। उस समय हम लोगों ने यह यात्रा प्रारंभ की थी और उसका परिणाम यह हुआ कि 2014 आते आते लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि 25 वर्षों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। और आज आतंकवाद के हालात क्या हैं, आज किसी मां की लाल की हिम्मत नहीं है। अब पहले तो आए दिन होती थी, अब शायद एक आग कहीं पर लुके छुपे कोई आतंकी वारदात कर दे, नहीं किसी की हिम्मत नहीं होती है। और आज तो हमारे सेना के जवानों का हौसला इतना बुलंद है कि आपने देखा होगा उरी और पुलवामा की घटना कि हमारे सेना के नौजवान अब आतंकवादियों को सीमा के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है भारत की ताकत। नक्सलवाद की घटनाएं जो पहले लगभग 16-18 जिलों में थी अब सिमट कर बाप मुश्किल 2-3 जिलों में ही रह गई। एक ऐसा माहौल सारे देश भर में तैयार हुआ, सारा देश इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सबसे बेहतर हुकूमत यानी शासन कोई राजनीतिक पार्टी दे सकती है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। यह सभी की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और यही कारण है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र में भी तो स्पष्ट बहुमत के साथ हम लोगों ने अपनी सरकार बनाई, वहीं पर हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में भी हम अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। आज यदि मैं आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं तो यह आपसे अपील करने आया हूं कि यहां भी डबल इंजन की सरकार काम करनी चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यह अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। और यहां पर मैनेजमेंट कमेटी के हमारे सारे प्रमुख कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, मैनेजमेंट कमेटी के आप लोगों के कंधों के ऊपर पार्टी को जन सामान्य तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ चुनाव का प्रबंधन कैसे होगा, हमारा एक भी कार्यकर्ता शेष नहीं बचना चाहिए जो अपने अपने बूथ पर हर मतदाता के पास न पहुंच जाए। यह जिम्मेदारी आपको निभानी है। लाभार्थियों का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में सरकार के द्वारा इतने लाभार्थी कभी नहीं रहे होंगे जितने लाभार्थी इस समय। मुझे जानकारी दी गई है कि यहां पर हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 लाख लाभार्थी, हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 लाख लाभार्थी। हर कार्यकर्ता को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश लेकर फिर से हर लाभार्थी के पास जाएंगे। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।